तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ ये चार्जिंग के ऊपर लेकर के आया हूँ कि हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आता है उसमें चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है तो उसको हम लोग कैसे रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो अपना ये टॉपिक जो लेकर के चल रहे हैं ये ट्रेसिंग का पार्ट लेकर चल रहे हैं। अगर आप ट्रेसिंग के पार्ट में देखेंगे तो अभी चार्जिंग का ही हमारा पार्ट नहीं खत्म हुआ है कि हम आपको चार्जिंग के बारे में पूरा, मैंने जैसे आपको बताया था कि चार्जिंग के बारे में मैंने डीप लेवल में आपको बताने वाला हूँ, जिसमें से बहुत ऐसे स्टूडेंट है जैसे हमारे जो उड़ीसा के रहने वाले सागर मांझी करके हैं, उन्होंने हमको खुद फोन करके बताया कि सर मुझे अक्सर चार्जिंग की समस्या बहुत आती है और चार्जिंग की प्रॉब्लम आने की वजह से कई सारे मोबाइल फोन हमसे वापस हो जाते हैं और कहीं और जाते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। तो उसका सबसे बड़ा क्या प्रॉब्लम आता है कि अगर हम नहीं कर पाए तो मतलब ये है कि किसी की हेल्प लेनी पड़ी। तो आज मैं दोस्तों, मैं उन भाइयों के लिए या अपने ऐसे स्टूडेंट हैं उन सभी लोगों के लिए मैं चार्जिंग की प्रॉब्लम के लेकर इतना डिटेल में पूरा टॉपिक लेकर के आया हूँ कि अगर आपने चार्जिंग का अगर इस सारी वीडियो को देख लिया ना तो मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ आपके बोर्ड में चार्जिंग समझ लीजिए फॉल्ट कहाँ है ना, ये सिर्फ आपको दिखेगा। इतना आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, इतने तरीकों से आपको समझाऊंगा कि आपको चार्जिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि चार्जिंग की प्रॉब्लम बहुत छोटी सी नहीं होती, चार्जिंग की प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है। कहते नहीं है, जो आदमी डेड मोबाइल फोन का अगर मास्टर बनना चाहता है, डेड मोबाइल फोन को रिपेयर करना बहुत अच्छे से सीखना चाहता है तो उसको चार्जिंग अगर मास्टर बन जाए तो मुझे लगता है कि 40% प्रॉब्लम तो ऐसे ही हल हो जाती है। क्यों? क्योंकि जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं तो स्मार्टफोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम ठीक करने का मतलब होता है कि आपको चार्जिंग सप्लाई सेक्शन के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी होना। अगर आपको सेक्शन के बारे में, चार्जिंग सेक्शन के बारे में जानकारी होती तभी तो आप पावर सेक्शन को चालू करते हो फिर पावर सेक्शन किसी और चीज को चालू करता है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए, मेन तौर पर देखा जाए तो हमारी जो शुरुआत होती है सप्लाईयों की, ट्रांसमिशन की, तो कहाँ से होती है? चार्जिंग से होती है। तो चार्जिंग सर्किट को अगर आप लोगों ने रीड कर लिया, बहुत ऐसे मोबाइल फोन होते हैं जिसमें चार्जिंग भी पावर के अंदर चला जाता है, या आप ऐसा कह सकते हैं कि चार्जिंग के अंदर ही पावर आ जाता है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी सिचुएशन होती हैं। तो आज दोस्तों जो हमारा जो टॉपिक है वो चार्जिंग का डिटेक्शन लाइन के बारे में आपको समझाने वाला हूँ कि हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आता है उसमें से चार्जिंग का जो डिटेक्शन लाइन होता है वो कैसे काम करता है और उसका रोल क्या रहता है। और अच्छा, उस रोल को हम लोग सिमेटिक के माध्यम से कैसे फाइंड करेंगे, सिमेटिक के माध्यम से रोल को कैसे समझेंगे और कंपोनेंट को कैसे ढूंढेंगे कि अगर एक छोटा सा कंपोनेंट, एक छोटा सा रेजिस्टेंस, अभी मेरे पास एक मोबाइल फोन आया था, उस मोबाइल फोन के अंदर रेजिस्टेंस खराब होगा तो रेजिस्टेंस खराब होने की वजह से मोबाइल फोन में चार्जिंग नहीं हो रही थी। इनपुट सही था, आउटपुट सही था, सारा सर्किट सब कुछ सही था, लेकिन मोबाइल फोन में चार्जिंग नहीं हो रही। तो क्यों नहीं हो रही दोस्तों, मैं आपको उसका पूरा आपको डिटेल में समझाता हूँ। जैसे हमारे पास कोई भी मोबाइल फोन आता है, अगर उसमें चार्जिंग की लाइन खराब हो जाती है तो चार्जिंग की लाइन को चेक करने के लिए सबसे पहली बात देखिए दोस्तों, डिटेक्शन लाइन काम कैसे करती है। मैं आपको डिटेक्शन के लाइन के बारे में पूरा डिटेल थोड़ा सा समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, ये आपका चार्जिंग जैक दिया हुआ है, ये आपकी 5 पिन है, ये प्लस पिन है, प्लस सप्लाई आगे जाती है, प्लस सप्लाई वही हमारी आगे OVP IC होती है, OVP IC से फिल्टर होती है, ये फिल्टर होते हुए सप्लाई आपकी चली जाती है चार्जिंग IC के अंदर। अब चार्जिंग आईसी को काम करने के लिए, चार्जिंग आईसी हमारी तभी मोबाइल फोन में काम करेगी कि चार्जिंग आईसी से एक सप्लाई हमारी यहाँ से निकलती है, यहाँ पर सप्लाई में एक हमारा रेजिस्टेंस लगा होता है, वो रेजिस्टेंस हमारे ऐसे ग्राउंड पोजीशन में होता है, फिर एक दूसरा रेजिस्टेंस लगा होता है कि डिवाइडर की तरह सर्किट बना होता है, ये सप्लाई चली जाती है आपके पावर आईसी के अंदर। अब पावर आईसी के अंदर जो सप्लाई जाती है, इस सप्लाई को हम बोलते हैं VCD, मतलब वोल्टेज करंट डिटेक्शन। ये सप्लाई क्या काम करती है? डिटेक्शन का काम करती है। कैसे काम करती है? कि यहाँ से जो भी आपका करंट आता है, ये टोटली जो करंट होता है ये आपका 5 वोल्ट करंट होता है। 5 वोल्ट करंट जैसे आपका यहाँ पर इन होता है, यही सेम 5 वोल्ट करंट यहाँ पर जाता है। ये 5 वोल्ट करंट में ये एक हाई वैल्यू का रजिस्टेंस लगा होता है, 39 किलोम, 50 किलोम, ऐसे 390 किलोम ऐसे रजिस्टेंस लगा होता है। उसके बाद सप्लाई आगे जाती है तो ये जो 5 वोल्ट होता है, इस 5 वोल्ट को 0.5 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, मतलब बहुत माइनर वोल्टेज कर देता है। ये माइनर वोल्टेज जो होता है ये तुम्हारे पावर आईसी के पास में अंदर जाता है, तो पावर आईसी ये सेंस करती है कि आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग होगी, इसीलिए मोबाइल फोन में ऐसा चार्जिंग का क्या बन जाता है? सिंबल बन जाता है, चार्जिंग का ट्रिगर बन जाता है। तो चार्जिंग का पॉइंट शो करने के लिए, अगर आप देखेंगे, अगर आपके मोबाइल फोन में ये वाला रेजिस्टेंस खराब हो जाएगा, ये वाला रेजिस्टेंस शॉर्ट मार जाएगा, अगर खराब हो जाएगा तो आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग भी लगाएंगे तो सारी सप्लाई दौड़ेगी कि यहाँ से चार्जिंग से करंट जाएगा, बैटरी कनेक्टर में तुम्हारी बैटरी के करंट चार्ज हो जाएगी, चार्जिंग होने लगेगा, लेकिन डिटेक्शन लाइन खराब होने से ये हमारे फोन में प्रॉब्लम आती है।
कि चार्जिंग नहीं होती। तो अगर आप मोबाइल फोन में चार्जिंग के सारे सर्किट को अगर चेक कर लेते हैं, सारा चार्जिंग का सर्किट अगर ओके होता है तो हमारा डिटेक्शन लाइन खराब हो जाता है। डिटेक्शन लाइन की वजह से मोबाइल फोन में प्रॉब्लम आती है कि चार्जिंग शो नहीं होती और कस्टमर परेशान हो जाता है कि भाई मोबाइल फोन में चार्जिंग नहीं हो रही। चलिए इसी चीज को मैं थोड़ा सा सिमेटिक में आपको बताता हूँ कि कहाँ पर रजिस्टेंस लगे होते हैं, कैसे काम करता है। तो हम लोग अपने टीवी स्क्रीन पर चलते हैं और एक हमारे पास मोबाइल फोन का मदरबोर्ड है, जिस मदरबोर्ड के बारे में मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ। तो ये हमारा सिमेटिक ओपन हो जाता है। तो दोस्तों चलो हम अपने सिमेटिक पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली बात क्या है, जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो भी मोबाइल फोन आता है उस मोबाइल फोन में चार्जिंग को जो सप्लाई आती है सबसे पहले कहाँ से आती है, यूआई कनेक्टर से आती है, वी बस पॉइंट होती है। अगर आप देखेंगे मैं आपको बोर्ड में समझाता हूँ पूरा अच्छे से क्लियर करके। यहाँ से जो हमारी सप्लाई 5 वोल्ट सप्लाई इन होती है, वी बस इन, ये 5 वोल्ट सप्लाई आने के बाद एक हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ, फिर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ, ये डिवाइडर की तरह सर्किट बना हुआ, ये 39 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा है, बहुत हाई वैल्यू का है। एक ये रेजिस्टेंस लगा 330 किलो ओम का है। तो यहाँ सबसे पहली बार जो 5 वोल्ट करंट आ जाएगा तो यहाँ पर जो करंट हो जाएगा 0.5, मतलब करंट हमारा क्या हो जाएगा, बहुत माइनर वोल्टेज हो जाएगा। यही माइनर वोल्टेज जो होता है ये यहाँ पर जाएगा और ये माइनर वोल्टेज चला जाएगा तुम्हारा पावर आईसी के अंदर। देखिए मैं आपको उसको भी दिखाता हूँ, ये तुम्हारा करंट जा रहा है, ये देखें ये पावर आईसी है, इसके अंदर वीसी डिटेक्शन लिखा है। ये वोल्टेज डिटेक्शन की लाइन आती है, जिस डिटेक्शन की लाइन से क्या होता है इसको ये पता चलता है कि हमारे मोबाइल फोन में चार्जिंग की सप्लाई इन हो गई है और चार्जिंग ऐसे सिंबल बन करके आ जाता है और मोबाइल फोन में चार्जिंग के परसेंटेज चलने लगते हैं। तो अगर ये लाइन तुम्हारी खराब हो जाएगी या इस लाइन के अंदर जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं, जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं, अगर ये खराब हो जाएंगे तो हमारे मोबाइल फोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ ट्रैक में, ये देखिए ये आपके रेजिस्टेंस लगे हैं, और जरा इधर करिए और ऊपर करिए, ये जो हमारे दो रेजिस्टेंस लगे हैं R2206 और R2207, अगर उनमें से अगर एक रजिस्टर तुम्हारा ओपन हो जाता है, खराब हो जाता है, ये कई बार ऐसा होता है कि हमारा सेट पानी में चला जाता है, पानी में जाने की वजह से रजिस्टेंस गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, पटकने की वजह से उखड़ जाते हैं, या बहुत लोग ऐसे होते हैं रिपेयरिंग करते समय रेजिस्टेंस अगर गायब हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं, तब भी आपके मोबाइल फोन में प्रॉब्लम आती है कि चार्जिंग की सप्लाई आती है। हम लोग क्या करेंगे, इन रेजिस्टेंस को जरा चेक करेंगे, देखेंगे कहाँ पर लगे हुए हैं। हम लोग इसी रजिस्टर को लेआउट को क्या करेंगे, जब अपने इसमें सर्च करेंगे, जैसे सर्च करते हैं उसके बाद हम अपना जूम करते हैं, तो जूम करने के बाद देखेंगे एक रजिस्टेंस ये लगा हुआ, दो रजिस्टर लगे रहे हैं R2206 और R2207, ये दो रेजिस्टेंस लगे हैं। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस में होता क्या है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ, फिर गौर से अगर आप देखेंगे, और आप अगर एक बार लेआउट में जाकर दोबारा दिखाइए, 2206 2207 यही रजिस्टर हैं, ये देखिए R2206 और 2207। तो सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली बात पीछे लेआउट में एक बार जाइए, जरा सिमेटिक में जाइए, अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से जो 5 वोल्ट सप्लाई आ रही है वो 2206 पे आ रही है, 2206 के बाद यहाँ से डिवाइडर सर्किट बन करके ग्राउंड पे हो गया और पावर आईसी के अंदर तुम्हारी सप्लाई इन हो रही है। अब 2206 से आई और 2206 के आगे निकलने के बाद पावर आईसी के बाद जा रही है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा अपने बोर्ड में ले चलता हूँ, आप PDF में ले जाइए, लेआउट में जाइए। हाँ अब लेआउट में अगर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो 2206 का लगा हुआ है, तो सबसे पहले 2206 में यहाँ पर 5 वोल्ट करंट आएगा, 5 वोल्ट करंट आने के बाद ये सप्लाई तुम्हारी जो है इस पर जाएगी, इससे होते हुए सप्लाई सीधे चली जाएगी और इसका ये हिस्सा क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। यहाँ पर जो सप्लाई आएगी, यहाँ पर जो सप्लाई 5 वोल्ट आएगी, 5 वोल्ट को 0.5 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा और ये यहाँ पर डिटेक्शन लाइन है। अगर तुम्हारा कल कोई रेजिस्टेंस खराब हो जाता है, ये वाला रेजिस्टेंस शॉर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर डिटेक्शन लाइन क्या होगा, पावर आईसी को फील नहीं होगा। अगर पावर आईसी को फील नहीं होगा, महसूस नहीं होगा, तो आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग का सिंबल
नहीं आने वाला है। तो ये दोनों रजिस्टर खराब होने के वजह से आपके डिटेक्शन लाइन की प्रॉब्लम आती है, इनको हम लोग चेक करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इसी रजिस्टर को जरा हम लोग इसके बोर्ड में देख लेते हैं, मतलब हार्डवेयर ओपन करते हैं और इसको बोर्ड में दिखाइए जरा सर, थोड़ा सा जूम करके सभी लोगों को। हाँ ऊपर करिए, ऊपर करिए, ये सीपीयू का हिस्सा है, पावर का हिस्से में दिखाइए जरा, पावर को नीचे लाइए। हाँ जी अब देखिए, यहाँ पर रोक के रखिए, मैं आपको पूरा बताता हूँ जी। ये देखिए, अगर दोनों रजिस्टर की पोजीशन अगर आप देखेंगे तो ये बनाओ कि पहले जो 5 वोल्ट सप्लाई है वो तुम्हारी यहाँ पर इन होगी, 5 वोल्ट सप्लाई इन होने के बाद यहाँ से सप्लाई निकलने के बाद देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे लाइन यहाँ पर जा रही है और इस लाइन से सप्लाई अगर आप गौर से देखेंगे तो ये सप्लाई जा रही है पावर एसी के अंदर, ये लाइनिंग आपको दिख भी रही है और यहाँ का ये हिस्सा क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। तो ये तुम्हारा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट की तरह काम कर रहा है, और ये रजिस्टेंस अगर तुम्हारे ओपन हो जाएगा और ये रजिस्टेंस अगर तुम्हारा शॉर्ट हो जाएगा तब भी आपके मोबाइल फोन में प्रॉब्लम आएगी कि आपके डिटेक्शन लाइन काम नहीं करेगी। कई लोग ऐसे होते हैं कि यहाँ पर सोचते हैं कि हम जंपर मार देंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन जंपर मारने से तुम्हारा काम नहीं होने वाला। ये रजिस्टर 330 किलो ओम का है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, किसी दूसरे मोबाइल फोन से 330 किलो ओम का रजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। जब आप 330 किलो ओम का रजिस्टेंस लगाएंगे तभी आपके मोबाइल फोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो ये हमने बताया कि क्यों, क्योंकि ये लाइन हमारी कौन सी लाइन है, ये दोस्तों हमारी जो लाइन है ये डिटेक्शन लाइन है। अगर आपके मोबाइल फोन में डिटेक्शन लाइन खराब हो जाएगी तो चार्जिंग का सिंबल नहीं आएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो मैंने आपको बताया है कि बोर्नियस सिमेटिक के माध्यम से चार्जिंग डिटेक्शन लाइन को हम लोग कैसे रीड करेंगे और चार्जिंग डिटेक्शन लाइन की जो प्रॉब्लम आती है उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे। तो चार्जिंग डिटेक्शन लाइन कैसे आती है, पहले हमारे वीवर से आती है, वीवर से 5 वोल्ट सप्लाई आता है, रजिस्टर से सप्लाई कम होता है, फिर सप्लाई हमारे आगे जाती है, इस तरीके से हमारे मोबाइल फोन में काम होता है। तो जितने भी मोबाइल फोन आते हैं सारे मोबाइल फोन के अंदर यदि चार्जिंग की समस्या आती है, चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना आपको बताते हैं। जितने भी मोबाइल फोन आते हैं, चाहे आपके पास मोबाइल फोन छोटा मोबाइल फोन हो, एंड्रॉयड मोबाइल फोन हो, स्मार्ट मोबाइल फोन हो, एक एक करके हम आपको चार्जिंग के बारे में पूरा डिटेल से बता रहे हैं। चार्जिंग से संबंधित और भी, जैसे चार्जिंग का ये नहीं होता कि जो वी बस का पॉइंट होता है वही चार्जिंग का काम करता है, वी बस पॉइंट के अलावा और भी ऐसे 10 पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से मोबाइल फोन में चार्जिंग की समस्याएं आती हैं। कि जैसे इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको थर्मिस्टर के बारे में बताया था, आज की वीडियो में मैंने आपको डिटेक्शन लाइन के बारे में आपको डिटेल से समझाया, वो भी सिमेटिक के माध्यम से। इसके अलावा और भी क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, NTC लाइनें होती हैं, ID लाइनें होती हैं, या और भी मोबाइल फोन के अंदर ऐसी लाइनें होती हैं जिस लाइन के अंदर कंपोनेंट खराब होने से मोबाइल फोन में चार्जिंग की प्रॉब्लम आती है। हालांकि वो खराब होने से चार्जिंग की प्रॉब्लम आती आती है, लेकिन सेट भी डेड हो जाता है। अगर आप इस रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, ये रेजिस्टेंस खराब हो जाता तो हमारे मोबाइल फोन में ऐसी प्रॉब्लम आती कि फोन ऑन ही नहीं होता, चालू नहीं होता, फोन डेड हो जाता है। हाँ अगर बैटरी को चार्ज करके लगाओगे तो चलेगा, DC सप्लाई मशीन से चलाओगे तो चलेगा, लेकिन चार्जिंग से नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि डिटेक्शन लाइन खराब है, मोबाइल फोन चार्ज नहीं होगा, जब तक बैटरी नहीं चार्ज होगी तब तक आपका मोबाइल फोन नहीं चलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारे पास जो डिटेक्शन लाइन आती है, डिटेक्शन लाइन को कैसे रिपेयर किया जाएगा, ये डिटेक्शन लाइन को चेक करने का तरीका क्या है, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो दिया हुआ है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और आज दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक हमारे उड़ीसा के रहने वाले रविंद्र जी हैं जिन्होंने आज अपने मोबाइल फोन रिपेयरिंग कोर्स को ज्वाइन किया हुआ है। ये उड़ीसा के रहने वाले हैं, इन्होंने भुवनेश्वर से, वहाँ से संभाल लीजिए ट्रेन पकड़ के आज हमारे पास आए हुए हैं। इनको समथिंग 1-2 दिन हो गए आने में, समय लगा, लेकिन फाइनली इन्होंने ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन किया और ये पूरा कंप्लीट मोबाइल फोन रिपेयरिंग का कोर्स A से लेकर Z का, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की कंप्लीट ट्रेनिंग लेकर के जाएंगे, थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल दोनों माध्यम से, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों माध्यम से पूरा फुल ट्रेंड होकर के जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, और कोई प्रॉब्लम आती, कोई दिक्कत आती तो नीचे कमेंट करें। और अगर हाँ, अगर आप ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं, अगर मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के में अगर आप मास्टर बनना चाहते हैं, पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर आ करके सीख सकते हैं कि आपको मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कैसे सिखाया जाएगा, या वीडियो कॉल के माध्यम से देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको ट्रेनिंग में है और क्या क्या सारी बातें सिखाई जाएंगी, वीडियो कॉल करके देख सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है तो सजेशन ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू दोस्तों।